तो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ चुका है पोको का पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि एक बैलेंस स्मार्टफोन कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप सोचेंगे पोको X3 Pro का ये सक्सेसर है तो हम इसको पोको X3 Pro का सक्सेसर नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों पोको X3 Pro एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन था एंड पोको X4 Pro जो कि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन हम कह सकते हैं, जो कि आपको 15,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट पे एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्लिपकार्ट के रिटेल यूनिट बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे एंड दोस्तों फ्लिपकार्ट का बॉक्स ओपन करने के बाद आपको मिल जाएगा रिटेल यूनिट बॉक्स का इनवॉइस बिल, जिसका प्राइस देखेंगे 17,999, मतलब कि 18,000 में मैंने इसको परचेस किया है। एंड दोस्तों पोको X4 Pro का रिटेल यूनिट बॉक्स, जो कि एज यूजुअल येलो एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल जाता है। बॉक्स के फ्रंट में साइड में हर जगह पोको X4 Pro यहाँ पे मेंशन किया है। बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन किया है, जैसे कि आपको 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ड्यूल 5G मतलब कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको 64MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 16MP की सेल्फी है, 67W का सोनिक फास्ट चार्जर है 5000mAh बैटरी बैकअप के साथ एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड मैंने यहां पे 6GB 64GB का वेरिएंट परचेस किया है। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे एंड दोस्तों इस बार देखेंगे सील पैकिंग, आपको 4-4 ऐप पर सील पैकिंग मिल जाती है, 2 एक्स्ट्रा आपको सील टेप मिल जाता है। चलिए दोस्तों फोन को अनबॉक्स करेंगे एंड फोन को अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले आपको एक छोटा सा पैकेट मिल जाता है एंड इस छोटे पैकेट में आपको एज यूजुअल सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जो कि सिम कार्ड एंड माइक्रो एसडी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन से यूजर मैनुअल मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको TPU ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर मिल जाता है, जो कि यार कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है फ्लैट एजेस के साथ एंड दोस्तों इसकी जो क्वालिटी काफी प्रीमियम है, मुझे काफी अच्छी लगी है। इसके बाद दोस्तों हमारा एज यूजुअल हैंडसेट जो कि पोको X4 Pro है एंड दोस्तों इसका जो कलर है ब्लू कलर है, क्योंकि दोस्तों मेरा फेवरेट कलर ब्लू है एंड इस पोको X4 Pro में आपको ग्लास बैक डिजाइन मिल जाता है, तो ब्लू कलर के साथ ग्लॉसी डिजाइन कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा मिल जाता है, आपको प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है। चलिए फोन को हम बाद में डिटेल में देखने वाले, उससे पहले दोस्तों बॉक्स में और भी क्या कुछ कंटेंट मिल जाते हैं। तो बॉक्स में आपको मिल जाएगा 67W का सुपर फास्ट सोनिक फास्ट चार्जर एंड इस चार्जर एडाप्टर के आउटपुट रेटिंग देखेंगे 11V 6.1A का आउटपुट रेटिंग है, जो कि आपके फोन को 40 से 60 मिनट में फुल चार्ज करेगा। एंड इसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है USB टाइप सी डेटा केबल। तो बस बॉक्स के अंदर आपको बस इतने ही बॉक्स कंटेंट मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम नजर डालेंगे एक्चुअल में फोन की तरफ, तो देखिए दोस्तों फोन का जो बैक लुक है आपको काफी शाइनी एंड अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि दोस्तों ग्लास बैक डिजाइन है एंड दोस्तों इस बैक डिजाइन में आपको रेज इफेक्ट भी मिल जाता है। अब देखेंगे कितना शाइनी आपको रेज इफेक्ट मिल जाता है एंड उससे ही प्रीमियम चीज इसमें आपको फ्लैट एजेस मतलब की बॉक्सी डिजाइन मिल जाता है। चलिए दोस्तों फोन को स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने के बाद देखते हैं इस फोन में आपको क्या कुछ खास चीजें मिल जाते हैं। तो फोन को स्टार्ट करेंगे, सेटअप करेंगे एंड सेटअप करने के बाद सारी चीजें 1-to-1 हम चेक करने वाले। उससे पहले दोस्तों इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों फोन के जो बैक डिजाइन में आपको देखेंगे फुल्ली रेक्टेंगुलर शेप में आपको कैमरा माउंटिंग सेटअप मिल जाता है एंड दोस्तों पोको के सारे फोन में आपको इसी टाइप का सेटअप मिल जाता है। फोन में देखेंगे आपको जो साइड का फ्रेम है आपको प्लास्टिक का ही मिल जाता है। फोन के राइट साइड में आपको पावर बटन प्लस फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाते हैं एंड फोन के लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों फोन के टॉप साइड में आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है, सेकेंडरी स्पीकर से सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है एंड आपको एक एयर ब्लास्टर सेंसर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में आपको प्राइमरी स्पीकर से प्राइमरी माइक्रोफोन है, चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें बस एक ही सिम कार्ड एक ही माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ग्लास बैक डिजाइन मिल जाता है, फ्लैट एजेस मतलब कि बॉक्सी डिजाइन मिल जाता है एंड दोस्तों हैंड ग्रिप मतलब इन हैंड फीलिंग के बारे में बात करेंगे तो काफी आपको तगड़ी इसमें इन हैंड फीलिंग मिल जाएगी। एंड दोस्तों इस फोन के बैक डिजाइन में आपको फिंगरप्रिंट के स्मजेस वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको दाग धब्बे इस फोन में ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। सो इस फोन का जो बैक डिजाइन यार काफी प्रीमियम एंड क्लियर है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाता है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाती है एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको वाइड 1.11 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से Amazon Prime एंड Netflix के जो कंटेंट है फुल HD+ में देख सकते हैं। एंड दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो काफी आउटस्टैंडिंग आपको
डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस वैल्यू आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो इस फोन का जो डिस्प्ले है काफी बेटर क्वालिटी का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस फोन के कैमरे के बारे में। तो इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है जो कि आपको एपर्चर f/1.8 के साथ मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का ए सुपर सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वो भी एपर्चर f/2.4 के साथ मिल जाता है। एंड दोस्तों इस फोन से मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किए गए जो कि काफी इंप्रेसिव लगे हैं, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम मुझे पोको के फोन में कैमरा क्वालिटी काफी सही लगी है। अगर आपको पोको X3 प्रो का कैमरा बकवास लगता था तो आपको पोको X4 प्रो का जो कैमरे काफी सही लगेगा। एंड आप देख सकते हैं मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किए हैं, इंडोर एंड आउटडोर के सेल्फी कैमरा है। उसके बाद रियर कैमरा भी देखेंगे और काफी आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट देता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट मिल जाता है, जो कि डुअल 5G है जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। एंड इसमें आपको 7 5G बैंड्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इस फोन का जो अंतुद बेंचमार्क स्कोर निकल के आ जाता है, सिंगल स्कोर देखेंगे 692 है। एंड मल्टीपल स्कोर के बारे में बात करेंगे जो कि 3,99,000 के अराउंड है, मतलब कि बिलो आपको 4,00,000 इसमें आपको स्कोर मिल जाता है। एंड दोस्तों इस फोन में आप बेसिक मतलब कि एवरेज टाइप की गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोको X3 प्रो का जो डिवाइस था स्पेशली गेमिंग ओरिएंटेड स्मार्टफोन था, बट इस फोन में आपको सिर्फ और सिर्फ देखेंगे बेसिक एवरेज टाइप की गेमिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो स्मूथ में आपको लो मीडियम हाई अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस में भी आपको अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, एंड HD में आपको हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो मैक्सिमम देखेंगे HD हाई ग्राफिक्स से गेमिंग कर सकते हैं। कोई भी HDR का सपोर्ट आपको अभी तक इसमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट मिल जाता है। ऑडियो ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो ऑडियो ग्राफिक्स आपको HD हाई ग्राफिक्स सपोर्ट है, अल्ट्रा ग्राफिक्स आपको ऑडियो में भी सपोर्ट नहीं करेगा। एंड जायरोस्कोप के बारे में बात करेंगे, वो भी आपको एवरेज मतलब भी ठीक ठाक आपको स्मूथ एवरेज जायरोस्कोप मिल जाएगा। गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट आपको 4TFS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको पोको X4 प्रो का डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट का वीडियो वो भी गेमिंग फीचर्स के साथ देखना है तो वो भी मैंने चैनल पे बना के रखा है, सो चैनल पर विजिट करके इसका स्पेशल गेमिंग टेस्ट का भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बैटरी के बारे में बात करेंगे तो 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिल जाती है, वो भी 67 वाट सुपर सोनिक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि आपको 60 मिनट के अंदर अंदर आपके फोन को फुल चार्ज करेगा। वैसे दोस्तों अगर आपको चार्जिंग टेस्ट का वीडियो देखना है तो मैंने कंपैरिजन करके रखा है, वो भी आप चैनल पर विजिट करके चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों फोन को स्टार्ट करेंगे एंड फोन को स्टार्ट करने के बाद आपको फोन के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मतलब कुछ ब्लॉटवर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ तरह तरह के ब्लॉटवर्स है जैसे कि सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई है, तो इन सारे एप्लीकेशन को अगर आपको अनइंस्टॉल करें तो इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट पता नहीं पोको की तरफ से इन सारे एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है, सो आप बाद में उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों OS के बारे में बात करेंगे तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 बेस एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिल जाता है। एटलीस्ट इसमें आपको MIUI 13 के साथ एंड्रॉइड 12 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए था, बट दोस्तों इसमें देखेंगे कंजूसी की है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 का ही अपडेट दिया है। एंड दोस्तों इस फोन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन आप देखेंगे ओपनिंग एनिमेशन से क्लोजिंग एनिमेशन से इसमें आपको जिटर देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करेंगे क्लोज करेंगे एंड दोस्तों एक साथ आप देखेंगे एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में जिटर जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है एंड फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है ना मुझे थोड़ा सा कम इसमें देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे टच करने के बाद कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है फोन को अनलॉक करने के लिए। ये कहीं ना कहीं मेरे फिंगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोस्तों पता नहीं, यहाँ पे साइड माउंटेड थोड़ा सा टाइम लेता है। बट दोस्तों फेस अनलॉक के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं फोन की तरफ देखते ही आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि आपको फेस अनलॉक का जो फीचर है वो भी काफी ज्यादा फास्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो पोको X4 प्रो 5G स्मार्टफोन है एक बैलेंस फोन है जिसको हम यहाँ पे ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह सकते हैं। गेमिंग छोड़ के इसमें काफी सारी चीजें यार काफी तगड़ी लेवल की मिल जाती है। सो अगर आप ये फोन परचेस कर रहे हैं तो ऑफर में आप इस फोन को 18,000 में परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के सेल में आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।